फ्रेंड्स, मैं हूँ अनीता प्रसाद। आज मैं आपको इडली फ्राई चाइनीज स्टाइल में बनाना सिखाती हूँ। तो आइए देखते हैं उसके लिए क्या क्या सामान लगेगा। सबसे पहले ये मैंने इडली लिया है, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इडली को मैंने कैसे बनाया है आप मेरे दूसरे वीडियो पर देख सकते हैं। आइए इधर सब्जियों में देखते हैं। सबसे पहले पत्ता गोभी, कैप्सिकम, गाजर, ग्रीन चिली, धनिया पत्ता, मिराकल मसाला पाउडर, सॉल्ट, और इसमें डालने के लिए तीन तरह के सॉस हैं, सोयाबीन सॉस, टमाटो सॉस एंड ग्रीन चिली सॉस, बनाने के लिए ऑयल। तो आइए अब हम लोग इडली फ्राई बनाते हैं। जैसे ही हमारा पैन गर्म हो जाएगा, इसमें दो चम्मच के आसपास ऑयल डालेंगे। मैंने ऑयलिव ऑयल डाला है, आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ओनियन डालेंगे। ओनियन बताना मैं भूल गई थी। सबसे पहले इसमें ओनियन डालेंगे और एक दो बार चलाने के बाद टेम्परेचर को मीडियम कर देंगे। उसके बाद सारी सब्जियां डालेंगे। पत्ता को भी मैंने डाला है। उसके बाद एक दो बार चला लें। उसके बाद कैप्सिकम डाल दें। उसके बाद गाजर डाल दें। इन्हें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, इसका क्रंचीनेस बना रहे और कच्चापन चला जाए, बस इतना ही। एक से डेढ़ मिनट तक ही फ्राई करना है। अब इसमें हम लोग ग्रीन चिली डाल देंगे। वन पिंच सॉल्ट डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा नरम भी पड़ जाए। और एक दो बार चलाने के बाद इसमें मिराकल मसाला पाउडर डाल देंगे। इसे भी एक दो बार चला लें। इसके बाद इसमें हम लोग करी इडली डाल देंगे। इडली को डालने के बाद इसे एक से डेढ़ मिनट तक हम लोग फ्राई करेंगे। लो मीडियम टेम्परेचर पर एक से डेढ़ मिनट हो चुका है हमारा फ्राई। अब इसमें हम लोग सॉस डालेंगे। टमाटो सॉस है, मैंने आधा चम्मच के आसपास डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। चिली सॉस, ये भी आधा चम्मच है, और सोयाबीन सॉस, ये करीब एक चम्मच हम लोग डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम या ज्यादा सॉस को डाल सकते हैं। इसके बाद फिर इसे एक मिनट तक और हम लोग फ्राई कर लेंगे। अब इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर दें। सॉल्ट मैंने पहले भी डाला था और मिराकल मसाला पाउडर में भी सॉल्ट रहता है। इसके बाद अब ये खाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसमें हम लोग धनिया पत्ता को स्प्रिंकल करेंगे। देखिए कितना आसान है। जब भी आपके पास इडली बच जाए तो इसे ऐसे ही चाइनीज स्टाइल में फ्राई कर लें। आइए अब इसे प्लेट में निकालते हैं हम लोग। देखिए कितना यम्मी दिख रहा है। ये मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा टमाटो सॉस हम लोग स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत ज्यादा नहीं स्प्रिंकल करेंगे क्योंकि मैंने पहले भी डाला है। और इसमें अब थोड़ी सी धनिया पत्ता से सजा देंगे। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान था इस इडली फ्राई को बनाना चाइनीज स्टाइल में, मेरी बताई ये रेसिपी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।